नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। चीन में 16,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा, 68,000 से अधिक लोग संक्रमित। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास फिर रॉकेट हमला, भड़क सकता है युद्ध। अब नींद से जागे इमरान, बोले आजादी मार्च निकालने वाले मौलाना पर चलना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा। कश्मीर पर अमेरिकी सीनेटर ने उठाए सवाल तो बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आप चिंता ना करें। सऊदी अरब ने यमन पर किया हवाई हमला, 31 लोगों की मौत। आज वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, 30 से ज्यादा परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। लालू यादव की तबीयत में सुधार नहीं, भेजे जा सकते हैं दिल्ली, एम्स में चलेगा इलाज। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जारी किया वीडियो, लाइब्रेरी में छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बरसाए डंडे। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट बैन, 3G और 4G सेवाओं पर जारी रहेगी रोक। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को दिल्ली में मिला अपना घर, स्वाति मालीवाल ने की मुलाकात। आजम खां से छीनी जा सकती है जोहर ट्रस्ट की 66 हेक्टेयर जमीन। पीलीभीत में CAA के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा भारी, 100 के खिलाफ केस दर्ज। नौजवानों पर फोकस होगा योगी सरकार का चौथा बजट, रिक्त पद भरने पर ध्यान। भाजपा की सभी जिलों की समितियां घोषित, पिछड़ों व महिलाओं को भागीदारी। सीएम अरविंद केजरीवाल का शपथ ग्रहण समारोह आज, दिल्ली के 50 निर्माता होंगे खास मेहमान। शाहीनबाग से गृहमंत्री अमित शाह के घर तक पैदल जाएंगे प्रदर्शनकारी। हरियाणा के पंचकुला में स्कूल बस चालक ने किया 4 साल की बच्ची से रेप। रामलीला ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आज, दोपहर 12:15 पर शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल, आम जनता को निमंत्रण, छोटू मफलर मैन भी पहुंचेंगे। मनीष सिसोदिया बोले एक ही कैबिनेट को दोहराया जाना गलत नहीं। दिल्ली मेट्रो में अश्लील हरकत करने वाला गिरफ्तार, लड़की के सामने मेट्रो में खोली थी पैंट की जिप। ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।